लेने लगते हैं। मैं बात करूंगा क्या क्या आप जंक फूड लें क्या नहीं लें उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह में कुछ भी लेना चाहते हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी ले, टी ले लिए, जलेबी वगैरह खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, तो ये सब गलत चीज़ है। ये आप लेने से आपको प्रोटीन तो मिल जाती है एक मास, बट बहुत मात्रा में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आप ऐसा कुछ चीज़ लीजिए जिससे आपको प्रोटीन भारी मात्रा में अच्छे से मिले और हेल्थी रहें आप। तो मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे एग्स है, एग्स को आप मॉर्निंग में लीजिए जिससे आपको पूरे तरीके से प्रोटीन मिल सके। तो एग्स का भाग लीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि एग्स खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्स खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। कोई आप बिन झिझक के ले सकते हैं, एग्स खाइए और भारी मात्रा में पाएंगे इसे। और एग्स के में आपको प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिलती है, इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन मिलती है एग्स में। और उसमें प्रोटीन के साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी पाया जाता है, उससे भी बहुत अच्छा है, आपको इम्प्रूव करेगा बॉडी के लिए। तो अब मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप एग्स ज़रूर मात्रा में ब्रेकफास्ट में लीजिए। और उसमें जैसे ही आप एग्स खाएं मॉर्निंग में, तो आपको पेट को क्या कहते हैं, भरा भरा एकदम रखेगा। भरा भरा जब रखेगा तो आप कोई भी इधर उधर का कुछ भी जंक फूड नहीं खाना चाहेंगे। और अब दोपहर में जब लगते हैं, दोपहर में जो भी डाइट आप लेंगे, जो भी खाने में लेंगे, तो कम मात्रा में खाएंगे। उससे आपका वेट भी मेंटेन करके रखेगा और बॉडी को एकदम हेल्थी बना के रखेगा वो। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप एग्स जरूर ब्रेकफास्ट में लें। और उसके बारे में इसके बाद मैं आपको बात करूँगा कि आप कॉफ़ी लें, टी ना लें। कॉफ़ी भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा, आपको माइंड को इम्प्रूव करेगा। तो कॉफ़ी आप पी सकते हैं, कॉफ़ी पीजिए, उसको भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और उसमें आपको मूड फ्रेश करके रखेगा वो। तो आप कॉफ़ी ले भी पी सकते हैं। और तीसरा चीज़ मैं बात करूँगा कि आप पीनट्स उसको लीजिए, जैसे कि जंक आप किशमिश, छुहारा, बादाम, ये लीजिए। इससे भी आपको प्रोटीन एनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगी और आपका बॉडी एकदम हेल्थी मिलेगा इस चीज़ में आप। और आप इसके साथ साथ एक्सरसाइज का भी प्रयास कीजिए एक्सरसाइज, क्योंकि इस लाइफ स्टाइल में लोग बहुत कम काम करना चाहते हैं, ऑफिस जाना जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सजेशन आपको करूँगा कि मॉर्निंग में आप फास्ट उठें, जल्दी उठें, और आधे घंटे, आपको टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कोई भी काम करना, तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आधे घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट आप ज़रूर वॉकिंग करें। वॉकिंग करने का टाइम नहीं, आप घर के छत पे ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और जो भी आप खाना पीना खाएंगे, जो भी खाएंगे आप जंक फूड कुछ भी लिए, उससे आपको डाइजेस्ट बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छी मिलता है। और आपका पेट जब खाली रहेगा तो आप खाना लेंगे अच्छे से। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको हर एक बीमारी, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम, बहुत लोगों को जाना जाता है कि ऑयली चीज़ लेते रहते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा चीज़ है, हर एक चीज़ समोसा वगैरह खाते हैं, जंक फूड कुछ भी, चाउमीन, पिज्जा पिज्जा खाते रहते हैं, तो उसके लिए आपको फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि मॉर्निंग में आप ऐसे कोई ना लें जो कि फैटी चीज़, आपको ऑयली चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं लेना है जिससे कि आपको फैट की मात्रा बढ़ने लगे। तो मैं आपसे सजेशन ये करूँगा कि जो भी आप डाइट लें बहुत अच्छे लें, और कोई भी ऑयली चीज़ मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं लेना है आपको। थैंक यू दोस्त, जो भी आपको मिले लाइक सब्सक्राइब करते रहें और मेरा चैनल देखते रहें। मैं सजेशन करूँगा कि आपको बहुत अच्छा से मैं बता सकूँ और सजेशन दे सकूँ। लाइक करें और सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्त।